सत श्री अकाल, नमस्ते एंड वेलकम टू माय ब्लॉग इरशीन कर। आज हम क्रिसमस की कुछ डेकोरेटिव थिंग्स बनाएंगे जो मुझे अपनी स्कूल की क्लास को डेकोरेट करने के लिए चाहिए एंड होम भी डेकोरेट कर लेंगे थोड़ा सा। तो चलो अब बनाते हैं, मैं आपको बताती हूँ क्या क्या चाहिए उसके लिए। हमें चाहिए एक पैड और उस पर आप कोई भी कलरफुल कोई भी शीट ले लीजिए, A4 शीट कलर वाली, एंड मैंने ब्लू ली है। और अब मैं दिखाती हूँ आपको क्या बनाना है और कैसे बनाना है। देखो मेरे पास ये है शीट। अब हमें स्केल चाहिए। स्केल से हमें बस इस पे लाइक दिस थोड़ी सी मोटी लाइन खींचनी है, बराबर होनी चाहिए ऊपर नीचे पूरा। मैंने लाइन खींच लिया। अब आपको सीजर चाहिए, सीजर से इसको कट कर लेना है। ऐसे एक स्ट्रिप कट कर लेनी है। इज दैट क्लियर? इतने बड़े बड़े तो अच्छे नहीं लगेंगे कि अच्छे लगेंगे, नहीं अच्छे लगेंगे। इनको बराबर बीच में से कट कर लेना है, इक्वली। यू जस्ट हैव टू कट इट फ्रॉम बिटवीन। कट कर लीजिए बीच में से। ठीक है, अब हमने इक्वल कट कर लिया। अब आपको ग्लू भी चाहिए। सीधा इसको ऐसे लगा देंगे, ऐसे स्टिक कर देंगे। एंड जो इसकी साइड के ये थोड़े से पेपर जो बाहर आ रहा है आप देख पा रहे होंगे, उसको हम कट कर देंगे। कट राइट, ओके। नाउ वी जस्ट नीड अ ग्लू। सीधा भी मेरे साथ बनाएगा। चलो ग्लू लेकर आते हैं। अब ऐसे लगाएंगे तो यहाँ पे ग्लू चाहिए। ग्लू जम गई मेरी, आ ही नहीं रही है। तो ग्लू को हम यहाँ पे इस साइड पे, एंड फिर आप लोगों को इसको ऐसे करके जस्ट ऐसे कर देना है। बन गया। अब हम मैं आपको एक और बना के दिखाती हूँ। यहाँ पे ब्लू लगा देंगे एंड ऐसे आपको सारे बनाने हैं। इस वाली फिंगर पे ब्लू लग गई है, यहाँ लगा दूंगी। ठीक है, अब मैं इसको आपको ऐसे नहीं करना, अब इसको आपको इसके अंदर ऐसे डालना है। ठीक है, उसके बाद आपको इसको ऐसे करके स्टिक करना है। ठीक है, पहले इसके अंदर डालना है फिर स्टिक करना है, ऐसे करना है। ठीक है, अब ऐसे आप लोग कर लोगे सारे, बहुत सारे लगाने हैं जितना पेपर है। मैं आपको फास्ट मोड में दिखाती हूँ। अभी रह गया है एंड मैंने ये चीज़ें ये स्ट्रिप्स काट ली हैं। तो अब इसको इक्वल ऐसे करते हैं, फिर इसको बीच में से काटते हैं। एंड आपको पता ही है हमें कैसे करना है, बहुत इजी मेथड है, आप कर लोगे। ये हमारी पहली चीज़ थी डेकोरेटिंग के लिए, और भी मैं बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगी। तो बहुत इजी। ओ भाई, अच्छा हुआ मैंने चिपकाया नहीं। आई एम सॉरी, मैंने ऐसे बोला, अच्छा हुआ मैंने चिपकाया नहीं, क्योंकि इसके अंदर ऐसे डाल के चिपकाना होता है। यार मैं बार बार भूल रही हूँ। इसके ऊपर भी लगा देते थोड़ा सा ताकि ये निकले ना। सो दिस इज हाउ वी विल मेक इट। एंड तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताना। अगर अच्छी लगी तो मेरी वीडियो का लाइक सब्सक्राइब फॉलो कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।